الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه واجب الاحترام میرے بھائیوں اور دوستوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد کو ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اس کائنات میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان مقاصد کو ذکر فرمایا ہے. سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ان مقاصد میں سے کچھ مقاصد کو ذکر کیا ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں هو الذي بعث في الأميين. اللہ پاک کی ذات وہی مقدس ذات ہے کہ جس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی لوگوں میں نبی بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی اور رسول اس وقت ظاہر کر کے اس دنیا میں بھیجا جس وقت کی دنیا اللہ رب العزت کی منشا، اللہ رب العزت کی خوشی نہ خوشی اور اللہ رب العزت کے بنیادی احکام اور اس کی پہچان کو بھول چکی تھی. دنیا کے لوگ چونکہ اس وقت اللہ رب العزت کی معرفت کو اور اللہ رب العزت کے احکام کو بھول چکے تھے،
और उल्टा कई तरह के गलत नजरियात और रसूम में पड़ चुके थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के मकासद के जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह पाक ने हुजूर नबी पाक सल्लम को उम्मियों के लिए रसूल बना के भेजा जो दीन के मुतल्लक सूझबूझ न रखते थे। और आपके बेसत के मकासद को जिक्र करते हुए फरमाया कि बेसत के मकासद में से एक पहला मकसद और बड़ा मकसद ये यतलु अलैहिम आयाती, फरमाया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं तो आपके आने का पहला मकसद ये है कि लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयात कुरान करीम की आयात पढ़कर सुनाए। वही सब की ही और दूसरा मकसद ये है कि लोगों के दिलों का तज़किया करें। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, और लोगों को कुरान करीम सिखाएं और हिकमत की बातें सिखाएं। वइन कानू मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, फरमाया अगर चे ये लोग हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले वाज़े गुमराही में पड़े हुए हैं और वाज़े गुमराही में मुब्तला थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक बेसत के मकासद जिक्र करने से पहले फरमाया वल्लज़ी बाअथा फिल उम्मीय्यीन रसूलन मिन्हुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन शरीयत के अहकामात से नावाकिफ लोगों में ऐसी शख्सियत को रसूल बना के भेजा जो इन्हीं में से हैं, यानी बाहर के कोई आदमी नहीं और बाहर की कोई और मखलूक नहीं, दुनिया में रहने वाले इंसान है तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है। दुनिया में रहने वाले बशर हैं जिनकी रहनुमाई की जरूरत है तो रहनुमाई लेकर आने वाले भी बशर हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आपके बेसत के मकासद को जिक्र करते हुए यतलु अलैहिम आयाती कि आपके आने का बड़ा मकसद और पहला मकसद ये कि यतलु अलैहिम आयाती कलामे इलाही की आयात को पढ़कर सुनाते हैं। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को पढ़ना कैसे है? हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की अमली सूरत पेश की और लोगों को बताया कुरान करीम की तिलावत यूं की जाएगी। पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में कुरान करीम के पढ़ने की बात की है, फिर बाद में वल्लिमुहुमुल किताब में कुरान करीम को पढ़ाने और उसके मानने को समझाने की बात की है। कुरान करीम के मानों को समझना ये भी हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के मकासद में से है। और कुरान करीम की तिलावत कैसे करनी है ये भी हुज़ूर
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ آج لوگ بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا کوئی چیز نہیں ہے، اصل تو اس کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے قرآن کریم میں پڑھنے کی بات کی ہے کہ پہلے قرآن کریم کو پڑھو، سمجھنے کی بات اور سمجھانے کی بات بعد میں کی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دو طرح کے عجیب و غریب قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض تو وہ جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنے کی بات نہیں کرتے، محض سمجھنے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھنے کا فائدہ کیا۔ اور بات ایسے ہے کہ وہ محض سمجھنے کی بات نہیں کرتے بلکہ سمجھنے میں زور ہی نہیں دیتے، وہ صرف پڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ یعنی ایک گروہ صرف پڑھنے کی بات کرتا ہے، سمجھنے کی بات نہیں کرتا، اور دوسرا گروہ قرآن کریم کو سمجھنے کی بات کرتا اور پڑھنے کی بات نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو سمجھایا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور قرآن کریم کو سمجھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کو سمجھنا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھو جو لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کو سمجھو سمجھو، تلاوت کر کے کیا کرنا ہے، تم کہتے ہو میں نے ایک قرآن پاک تلاوت کر لیا رمضان میں، دو قرآن پاک تلاوت کر لیے، تین کر لیے، تو پڑھنے کا کیا فائدہ، اصل تو سمجھنا ہے۔ حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کریم کے سمجھنے پر اجر اور ثواب کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت پر بھی اجر اور ثواب کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو سمجھنا بھی ثواب ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ملنا، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف یہ الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ تو جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت الف لام میم کہے گا، اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو دیکھو 30 نیکیوں کا ملنا یہ کوئی فائدے سے خالی تو نہیں، تو اس کے پڑھنے پر ثواب بھی ہے، اس کے سمجھنے پر ثواب بھی ہے۔ آج ایک طبقہ ہمارے یہاں پڑھنے کی بات کرتا اور سمجھنے کی بات نہیں کرتا، اور اس میں پڑھنے کی بات میں رسمی طور پر قرآن خوانیاں نکالنی ہیں۔ اب رسمی طور پر قرآن خوانیاں جس طرح کہ قرآن کا ختم ہوتا ہے جی، یا آج دوسرے تیسرے دن قرآن خوانی ہے جی، اعلان ہو جاتا ہے آدمی کے فوت ہونے کے بعد دوسرے تیسرے دن قرآن کا ختم جب قرآن خوانی ہے، لیکن اس میں جو ہے
रस्म पर रस्म ये कुरान पाक की तिलावत करने वाले लोग 200 लोगों में से महज 8-10 होते हैं, बाकी सब कुरान करीम की तिलावत से जी चुरा रहे होते हैं। कोई गिट के पढ़ने में लग जाता कोई वैसी बातें कर रहा होता है, ठीक है तस्बीहात करना ये भी एक अजर सवाब की बात है, लेकिन कुरान करीम की तिलावत को छोड़ दिया जाता है, बहुत कम लोग तिलावत करते हैं। आज एक और काम शुरू हुआ है कि कुरान करीम की तिलावत इसका इसारे सवाब बरहक है, लेकिन अब इसारे सवाब तो पूरे कुरान करीम का होना चाहिए और पूरा कुरान करीम पढ़कर जो है मैयत के लिए बख्शा जाए, लेकिन आज कुरान करीम की आखिरी चंद सूरतें जो हैं उन्हीं को रस्मी तौर पर पढ़ लिया जाता है, उसका नाम रख दिया गया है कुरान का खत्म। अब कुरान करीम का खत्म कैसे हो गया, चलिए खत्म ना जी आ जाओ, खत्म तो तब होगा जब शुरू हुआ हो, कुरान करीम शुरू तो किया नहीं, आखिरी वाली चंद सूरतें पढ़कर जो है वो लोग आए और खा पी कर अपने अपने घरों में चले गए, ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है। और जब से इसका रिवाज हुआ है, चूंकि ये रस्म है, इसकी तारीख में हकीकत तो कोई नहीं है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम असलाफ ताबईन वो ख़त्म के नाम पे इकट्ठे होते हो और चंद सूरतें पढ़ कर जो है वो खा पी के घर में चल जाते हो, ऐसे की सूरत हाल नहीं थी, रस्म है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने कुरान करीम की तिलावत छोड़ दी, ख़त्म के नाम पे सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं और 5 मिनट में एक साहिब चंद सूरतें जो खाने पर पढ़ते हैं और फिर सब लोग उसी खाने को जो है वो खा कर तितर बितर जाते हैं। कुरान करीम के पढ़ने और उसकी तिलावत करने का मरहला होता ही नहीं है। तो अब देखो इन लोगों ने कुरान करीम की बात तो की, तिलावत की बात तो की, लेकिन वो भी आखिरकार रस्म बनकर रह गई, रस्म भी चंद सूरतों की, मुकम्मल कुरान करीम की तिलावत नहीं हो रही। हालांकि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसब के मकासद में अहम मकसद कुरान करीम की तिलावत भी है। कुरान करीम की तिलावत करने वाला ये ऐसे है कि अल्लाह से बातें कर रहा है, तो कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। अब जो आदमी कुरान करीम की तिलावत करता है वह अल्लाह से बातें करता है, जिसका जी चाहे अल्लाह से बातें करूं कुरान पाक की तिलावत करे, अल्लाह से गुफ्तगू होगी, कैसी अजीम शान जो है ये बात है कि अल्लाह से हम कलामी कुरान पाक की तिलावत की सूरत में। आज हमारे घरों में भी कुरान करीम की तिलावत नहीं हो रही और कुरान करीम की तिलावत से घर खाली हैं, साल हर साल तक गिलाफों में कुरान पाक लिपटे रहते हैं, लेकिन उन कुरान करीम को तिलावत करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। कुरान पाक रेल के अंदर पड़ा है तो उसको दीमक लग जाती है, मट्टी पड़ी होती है, झाड़ने का भी टाइम नहीं है। रसूल बाद ने ये जगह ले ली, जब बच्ची शादी से जब शादी के मौके पर बच्ची को जब रुख्सत करने लगते हैं तो रस्म बनी हुई है कि जब गाड़ी में बैठाने लगो तो कुरान करीम सर के ऊपर रखो और कुरान करीम के साए में जो है उनको गाड़ी में बैठाओ। वो कुरान करीम जिसके साए में बच्ची को रुख्सत किया गया, दूल्हा दुल्हन लेके आया, उस कुरान करीम को पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है।
ना उस कुरान करीम को समझने के लिए वक्त है। मुमन हमारे यहाँ ऐसा होता है जहेज में जहाँ और चीज़ें दी जाती हैं तो कुरान करीम भी दिया जाता है। बस आपका दोस्त कहते हैं कि जी बच्ची को जहेज में कुरान पाक देना है तो कोई खूबसूरत सा कुरान पाक अच्छी जिल्द वाला अच्छे वर्क वाला ला के देना। तो कुरान करीम तो कुरान करीम में वर्क का उसका अच्छा हो या अच्छा ना हो, कुरान करीम वैसे ही एक अच्छी अलग अच्छी चीज़ और अलग कलाम है। कुरान करीम बच्चे को जहेज में दे देते हैं अच्छे कागज वाला अच्छे वर्क वाला अच्छे इनाम वाला, लेकिन उस कुरान पाक को खोलने की नौबत नहीं आती। सारा साल तक जो बच्ची उस कुरान पाक को जहेज में लेकर आई है और ना ही अब वो उस कुरान पाक को बच्चे को पढ़ाया भी नहीं होता। जहेज में कुरान पाक दिया जा रहा है लेकिन बच्ची को कुरान करीम पढ़ाया ही नहीं सिखाया ही नहीं, उस बेचारे को पढ़ना ही नहीं आता। अब उस कुरान करीम को क्या करेगी जिसको उसने सीखा ही नहीं है पढ़ा ही नहीं है। कुरान करीम की तिलावत बहुत बड़ा मकसद है। जिस आदमी से आदमी को मोहब्बत होती है, जिस शख्सियत से मोहब्बत होती है, जिस जात से मोहब्बत होती है, हाँ जी, उसका तज़करा ज़ुबान पे ज़्यादा करता है। जिसको अल्लाह से मोहब्बत है वह अल्लाह का कलाम ज़्यादा पढ़ता है। तो अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकल गई इसलिए अब ज़ुबान पे रब ताला के कलाम का तज़करा नहीं, यानी कुरान पाक की तिलावत नहीं है। तो बड़े अफसोस का मकाम है। पहले हमारे यहाँ ऐसा होता था कि मस्जिदों के अंदर कुरान पाक सीखने के लिए बच्चों की लाइनें लगी होती थी, बहुत बड़ी तादाद होती थी। लेकिन आजकल मस्जिदें जो है कुरान करीम की इस तालीम से खाली हो गई है। लोगों के पास वक़्त ही नहीं है कि अपने बच्चों को सुबह उठाकर कुरान पाक की तालीम के लिए भेज सके। सारी रात टीवी के आगे कंप्यूटर और मोबाइल के आगे बैठे रहते हैं। तो सुबह के वक्त ना खुद वक़्त पे उठते हैं ना बच्चे ही उठते हैं। ज़ाहिर बात है बच्चों को तो वालिदैन ने उठाना है। जब वालिदैन सारी रात टीवी देखते रहे मोबाइल देखते रहे तो खुद नहीं उठे तो बच्चों को कैसे उठाएंगे? जब नहीं उठाएंगे तो कुरान पाक की तालीम कैसे होगी? आज ये तो बड़ा शौक है कि बच्चा बीए कर जाए, बीएड कर जाए, एमए कर जाए, एमफिल कर जाए जी, पीएचडी कर ले जी, आई काम बी काम कर ले, ये सारा कुछ कराने का शौक है। लेकिन एक मुसलमान फर्द को, मुसलमान शख्स को अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत सिखाना और इसका माना मतलब सिखाना इसका कोई शौक नहीं है। सुबह के वक्त बच्चे नहीं आते जी, बहाना है स्कूल जाना है। शाम को बच्चे नहीं आते जी, हमें ट्यूशन जाना है, अकेडमी जाना है। रात के वक्त नहीं आते जी, इसलिए क्या भाई इन्होंने रेस्ट करनी है, वो टीवी के आगे बैठ गए। तो कुरान करीम की तिलावत पूरी जिंदगी इंसान तब करेगा जब बचपन में उसको कुरान पाक सिखाया जाएगा। जब उसको कुरान पाक सिखाया ही नहीं गया, वो घर से मस्जिद में कुरान पाक सीखने के लिए नहीं आया, तो जाहिर बात है कि वो मुस्तकबिल में पढ़ेगा कैसे जिसने कुरान पाक जिसे पढ़ा ही नहीं है सीखा ही नहीं है? तो उसको कुरान पाक खोलने को जी भी नहीं चाहेगा। भाई उसको पता है मैं पढ़ूंगा तो गलत पढ़ूंगा। माने आपका एक यह मसला है कि बच्चों को कुरान करीम पढ़ाते ही नहीं है, और अगर कभी शौक में हो जाए पढ़ाना है तो किसी मुस्तनद कारी और मुस्तनद हाफिज इससे नहीं पढ़ाते, बल्कि महल्ले के अंदर खवातीन के पास पढ़ने के लिए भेज देते जिनका अपना तलफ्फुज़ ठीक नहीं होता, जो कुरान को पंजाबी में पढ़ती हैं और मजहूल पढ़ती हैं। अब जो कुरान पाक तो अरबी में है, इसको पंजाबी में पढ़ता हो या उसको मजहूल पढ़ता हो
तो किसी बच्चे को सही कैसे सिखा सकता है? ये अलमिया है। और जो घर में खवातीन पढ़ाने के लिए बैठी है, उनकी भी शरीर जिम्मेदारी है कि वो खुद पहले कुरान करीम को सीखे, बाद में किसी को सिखाए। अगर आपका तलफ़ गलत है और आप किसी को गलत कुरान करीम सिखा देती है, उसका तलफ़ गलत कर देती है, वो गलत सीख जाता है, पूरी जिंदगी गलत पढ़ता है, तो उसका गुनाह आपके जिम्मा होगा। अगर कुरान करीम पढ़ाने वाले का तलफ़ दुरुस्त है और वो अच्छे लहजे और अच्छे तलफ़ के साथ कुरान पाक पढ़ता है, तो ज़ाहिर बात है अच्छे तलफ़ अच्छे लहजे के साथ उसको सिखाएगा भी। अब इस घट बैठ के लिए पता नहीं होगा कि जिस बच्चे को जिस उस्ताद ने कुरान करीम पढ़ाया है, तो वो बच्चा कुरान करीम को सीख कर जब तक उस कुरान करीम को पढ़ता रहेगा, तो जितनी नेकियां पढ़ने वाले के खाते में आएंगी, उतनी ही नेकियां पढ़ाने वाले के खाते में भी आ जाएंगी। किस कदर जबरदस्त बात है। और आजकल पर एक और सिलसिला चल पड़ा, कुरान करीम पढ़ाने के अंदाज से बड़ा जुल्म हुआ है कि घरों के अंदर अब यह सिलसिला शुरू हो गया कि लोगों ने हाफिजों को कारियों को घरों के अंदर बुलाना शुरू कर दिया कुरान पाक पढ़ाने के लिए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि भाई बच्चा पढ़ने के लिए आता उस्ताद के पास, अब काम उलट हो गया, उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है बच्चे के पास। बेअदबी है कुरान पाक की। तालिब को चाहिए, तालिब इलम को चाहिए उस्ताद के पास चल के आए, या उस्ताद को चाहिए कि तालिब इलम के पास चल के आए? हाँ जी। और फिर जुल्म ये है कि उस्ताद पढ़ाने के लिए दरवाजे पे खड़ा होता है, दस्तक देता है, हाँ जी, घर से आवाज आती है, आज हमारा बच्चा बीमार है इसलिए नहीं पढ़ेगा, चलो जी बेचारा वापस आया था पढ़ाने वाला। अच्छा, उस्ताद पढ़ाने के लिए गया तो अंदर से आवाज आई, आज हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं इसलिए, घर में मेहमान आए हुए हैं इसलिए आज बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो उस्ताद पढ़ाने के लिए आया, लेकिन जो है उस्ताद पढ़ाने के लिए आया तो शागिर्द पढ़ने के लिए तैयार नहीं, हमारे पास मेहमान है जी। अच्छा, उस्ताद पढ़ाने के लिए घर गया तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, फोन किया कहाँ गए? वो अपने नानकिया दे गए जी, ननिहाल के यहाँ गए जी, चाचे के यहाँ गए, मम्मी के यहाँ चले गए जी। अच्छा, ये बेअदबी है, पढ़ाने वाला घर का चक्कर काट रहा है, वो घर के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पढ़ने वाला तालिब इल्म बहाने बना रहा है और पढ़ने को तैयार नहीं। फिर इस पढ़ने और पढ़ाने में बरकत कैसे होगी? हाँ, कोई माजूर है, कोई मजबूर है, उसके बारे में बात समझ में आती है कि चलो उसको उस्ताद पढ़ाने के लिए आ जाए, वगरना तो उसका घर वाले उसको छोड़ के जाए। कोई मासूम है बच्चा, उसकी टांगे नहीं है, चल नहीं सकता, या और कोई नबीना है, मसलन उसको आने जाने मुश्किल है, कोई छोड़ने वाला मुतबर जिसरा नहीं है, चलो उसमें तो मासूम में आए कि भाई यहाँ उस्ताद बेचारा चलो खुद जाके चला जाए और जो है सिखाए। अजीब बात है, इसलिए कुरान करीम के साथ ये जुल्म हो रहा है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैक, कुरान करीम कल क़यामत के दिन या तो तेरे हक में गवाही देगा या तेरे खिलाफ गवाही देगा। अब जिस आदमी ने कुरान करीम को पढ़ा, कुरान करीम को समझा और कुरान करीम पर अमल किया, तो क़यामत के दिन उसके हक में कुरान करीम गवाही देगा कि या अल्लाह इसने मुझे पढ़ा, इसने मुझे समझा, इसने जो है इसके मेरे तकाज़ों पर अमल किया, अब कुरान करीम उसके हक में गवाही देगा।
और जिस आदमी ना कुरान करीम को पढ़ा, ना कुरान करीम को समझा और ना कुरान करीम पर अमल किया, क़यामत के दिन कुरान पाक उसके खिलाफ गवाही देगा। आप कहेंगे कुरान करीम में है, कैसे गवाही देगा, ये वाज़ेह में आती है। कुरान पाक की जो ज़बान नहीं है, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन चीजों को भी जुबान दे देंगे जिनकी जुबान नहीं है। क़यामत से पहले ही, क़यामत के बाद तो होगा ही होगा अजायबात का मामला, क़यामत से पहले भी तो अजायबात का मामला होगा ना। अब जो जो वक्त आगे गुजर रहा है, अजायबात का दौर आ रहा है। अब देखिए आज जो चीजें हमारे सामने हैं और हम उनसे नफा उठाते हैं, आज से 500 साल पहले के लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। उनके ख्याल में आज की चीज़ें बड़ी अजीब है, और जेन अगर बताता तो 500 पहले इन चीज़ों को तो मानने को तैयार ना होता कि एक छोटी सी चीज़ है जिसको मोबाइल कहते हैं और उसके जरिए उसके छोटी सी सिम कटती है, उसके जरिए पूरी दुनिया में आदमी पल झपकते चंद सेकंड में रास्ता कर सकता है। 500 साल पहले अगर किसी को बताया जाता तो वो कभी यकीन नहीं रखा सकता, जब इतनी बड़ी गप, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज हो रहा है ना, आज हो रहा है। किसी आदमी को बताया जाता कि इंसान एक सवारी इस तरह की बनाएगा कि उस पर सवार हो जाएगा और हवा में उड़ता फिरेगा, पल भर में दुनिया में जहां चाहे जा सकेगा। अब हर सुलेमान अलैहि सलाम के तख्त के बारे में सुना हुआ है, लेकिन हवाई जहाज के बारे में तो नहीं सुना हुआ ना। अगर 500 साल पहले हवाई जहाज के बारे में बताया जाता तो वो यकीन ना करता। तो ये आज वो दौर है, अजायबात का दौर है, आगे से आगे अजायबात का दौर है। कुर्ब क़यामत बड़ी अजीब व गरीब चीजें पेश आएंगी जो आज के लोगों ने नहीं देखी। जिस तरह के कुर्ब क़यामत है ना, हदीस में आता है कि ऐसा होगा कि दज्जाल निकलेगा, याजूज माजूज आएंगे, दावतुल अर्ज का खुरूज होगा, सूरज जो है मशरक की बजाय मगरब से निकलेगा और पूरी दुनिया में जंग होगी, मुसलमान सब पर गालिब आ जाएंगे, कुफार कत्ल हो जाएंगे, हर जगह इस्लाम होगा। अब आज ये चीज़ें फिर अजीब लगती हैं, लेकिन उस दौर में अजीब नहीं लगेंगी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और दो रिश्तों के ऊपर पर हाथ रखे हुए होंगे, फरमाया जामे मस्जिद दमिश्क जो मुल्क के शाम में मौजूद है, आज भी मस्जिद मौजूद है, उसके मशरक की मीनारे पर उतरेंगे, मुसलमान उतरता हुआ देखेंगे। अब कैसे अजीब चीज़ है, कोई आदमी आसमान से उतर रहा हो, फरिश्तों के ऊपर पर हाथ रखा हो, फरिश्ता किसी ने देखा है नहीं ना, उस वक्त फरिश्ते को देखेंगे कि फरिश्ते होंगे। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम के उनके पैरों पर हाथ रखे हुए होंगे और जाने मस्जिद दमिश्क के शक्ति मीनारे पर उतरेंगे, हाँ जी मस्जिद में आ जाएंगे। अब जो है मुसलमान सीढ़ी लगा कर हाँ जी उनको नीचे उतारेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। अब ये चीज़ें अजीब है, लेकिन सूरज हर रोज मशरक से निकलता है, हाँ जी, लेकिन उस वक्त जब ऐन क़यामत होगी आखिरी निशानी है सूरज मगरब से निकलेगा, लेकिन आज मगरब से नहीं निकलता, आज मगरब से निकलना अजीब है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कहा था कि अगर तू भी खुदा है, उसने कहा था मैं भी खुदा हूँ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगर तू खुदा है तो मेरा तो खुदा है, जो मेरा रब है वो तो हर रोज सूरज को मशरक से निकालता है और मगरब में गुरूब करता है, अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरब से निकाल के दिखा। भरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कहा था कि तू अगर दावेदार है रब होने का, खुदा होने का, तो तू सूरज को मगरब से निकाल। अब क्यों कहा था, इसलिए कि सूरज मगरब से निकलता नहीं है हमारे यहाँ, और मगरब से निकलना अजीब है, तो इसलिए उसको कोई जवाब ना मान पड़ा। और फबूहित लदी काफर, कुरान पर फरमाया गया वो काफर के तोते उड़ गए,
जब उससे ये मुतालबा किया गया कि सूरज मगरब से निकाल, लेकिन रब तआला की ज़ात खुद कुर्ब क़यामत सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकालेंगे। अब सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकलेगा तो ये अजीब होगा, इससे पहले लोगों ने ना देखा होगा। तो क़यामत किसे पहले के हालात और क़यामत के बाद के हालात, ये सब अजायबात है, अजायबात का दौर है। इसलिए मैं आज कर रहा था कुरान करीम के मुतल्लिक, इसको पढ़ना, इसको समझना, इस पर अमल करना मुसलमान की जिम्मेदारी है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के मकासद में से, दुनिया में आने के मकासद में से एक बड़ा मकसद यह है कि लोगों को कुरान करीम की तिलावत करके दिखाएं कुरान पढ़ना कैसे है। आज लोग समझने की बात करते हैं, हाँ जी पहले पढ़ना है फिर समझना है, दोनों अलग अलग जिम्मेदारी, दोनों काम करने के हैं। तो कुरान करीम क़यामत के दिन मुसलमानों के हक में गवाही देगा या उनके खिलाफ गवाही देगा? तो बात यहाँ से चली थी कि कुरान करीम पे जो जुबान नहीं है कैसे बोलेगा? क़यामत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकल्लुम की इजाज़त कुरान पाक को देंगे और कुरान करीम बोलेगा। अजायबात में से है। इससे अधिक पर लेकिन आजकल हम मोबाइल कान पर लगाते हैं, हाँ जी फिर बात करते हैं। मैंने पहले बताया 500 साल पहले के लोगों के लिए अजीब चीज़ है, पूरी दुनिया में अभी रब्ता कर सकते हैं पल भर में। अच्छा कुर्बे क़यामत, बल्कि क़यामत के बाद जब रब्ता के यहाँ पेश होंगे हिसाब किताब के लिए, इससे भी अजीब होगा। वो क्या होगा? अल्लाह पाक फरमाया वतकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अरजुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन ऐसा होगा जब रब तआला के दरबार में पेश होंगे हिसाब किताब के लिए, तो इंसान की जो उंगलियां, जो हाथ है ये बोलेंगे, इंसान के पांव बोलेंगे। इंसान के अगर अच्छे काम किए हैं तो हाथ गवाही देंगे हमारे जरिए इनसे अच्छे काम किए गए, और पांव बोलेंगे कि हमारे जरिए आदमी चल के गया, ये फला फला में काम किया इसने, हमारे लिए चल के गया, तो फला फला बुरे काम किए। वह तो कल ही मुना अयदीहिम हाथ बोलेंगे, वह अर्जुलुहुम टांगे बोलेंगे, हज बीमार का यक्सिबून उन गुनाहों के मुतल्लिक जो लोगों ने किए। अब हो चुके अजायबात का दौर वक्त होगा कुर्ब क़यामत का भी और क़यामत के बाद का भी, इसलिए ये बात अजीब नहीं लगेगी। तो कुरान की बात यहाँ से चल रही थी कि कुरान करीम को पढ़ना, इसकी तिलावत करना, इस पर अमल करना, ये मुसलमान की जिम्मेदारी है। हुज़ूर नबी पाक सल्लम के बेसत के मकासद में से है। हुज़ूर नबी पाक सल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए कुरान करीम को समझाने के लिए भी, कुरान पाक को पढ़ाने के लिए भी। कुरान पाक को पढ़ना भी स्वभाव है, कुरान पाक को समझना भी स्वभाव। आजकल कुरान करीम को समझाने पर मैंने उसके ना जोर देने लगे हैं लोग, तो पढ़ने की बात ही नहीं करते। तो दोनों बातें होनी चाहिए, समझाने वाले भी और पढ़ने वाले भी। आज पढ़ना किससे है और समझना किससे है? आजकल पढ़ने के हवाले से भी गलती है, समझने के हवाले से भी गलती है। क्या तो लोगों के पास कमी नहीं है पढ़ने के लिए, और या पढ़ते हैं तो उससे भी पढ़ते हैं इसने पढ़ना है जिससे पढ़ना है, और समझना तो उससे भी समझे इसने समझना है जिसे समझना है। अब देखिए मसलन मैंने फिर अर्ज़ किया, कुरान पाक पढ़ने के लिए बच्चों को उन औरतों के पास भेज देते हैं घरों में जिनका अपना तलफ़ ठीक नहीं है, जिनको खुद पढ़ना नहीं आता, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, उनका तलफ़ ख़राब करेंगे। समझने की बात, आजकल लोग जो है कहते हैं मस्जिद में जाकर कारी साहब मौलाना साहब इनके पास जाके पढ़ने की या समझने की ज़रूरत क्या है? हाँ जी तो नेट खोल लो, अभी यहाँ से कुरान पाक को दर्स कुरान दे रहा होगा कोई प्रोफेसर कोई जो है और डॉक्टर कोई और, उससे जो है कुरान पाक को समझ लो। समझने में भी गलती हो रही है। अब वो पाक प्रोफेसर वो डॉक्टर जो कुरान करीम पढ़ाने के लिए बैठा है उसकी जिंदगी कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने पे खर्च ही नहीं हुई, उसने अपना मुस्तकबिल इस फन के लिए खर्च ही नहीं किया। जब उसने अपनी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने पे खर्च ही नहीं की, सीखने सिखाने पे खर्च ही नहीं की, तो उसको हक क्या है कि वो दूसरों को सिखाए?
आजकल हर आदमी को उस्ताद बनने का शौक है लेकिन खुद नहीं सीखता। दुनिया के हर मामले के अंदर पहले सीखने का मरहला होता है, फिर सिखाने का होता है। अब किया है उसने पीएचडी, पीएचडी डॉक्टर है या मेडिकल डॉक्टर है, अब पीएचडी डॉक्टर या अपना मेडिकल डॉक्टर, उसकी जिंदगी तो और मामलात में गुजरी है, मेडिकल के मामलात में या और तालीम के मराहल में, तो कुरान करीम तो उसने बाज़ाब्ता कुरान करीम के माहिर लोगों से सीखा ही नहीं है, अब वो कैसे सिखाने बैठे एक अब। और यही वजह है कि ऐसे डॉक्टर ऐसे प्रोफेसर जो कुरान करीम को सिखाने के लिए बैठे खुद भी गुमराह हो रहे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे क़यामत की जो निशानियाँ बयान फरमाई, उनमें निशानी ये भी बयान फरमाई थी कि लोग जाहिर लोगों को अपना पेशवा बना लेंगे और वो बगैर सीखे दीन को आगे बयान करेंगे, हाँ जी, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ज़ल्लू फ़ज़ल्लू, खुद गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे। और अक्सरों को कुरान करीम पढ़ना नहीं आता, कुरान करीम पढ़ाने के लिए डॉक्टर शॉक्टर बैठे हैं, हाँ जी, नेट पे आते हैं, उनको कुरान पढ़ना नहीं आता। और जिनको पढ़ना नहीं आता उसको सिखाना कैसे आता, उसको मानना कैसे आता होगा? पहला मरहला पढ़ने का है, दूसरा मरहला पढ़ाने का है। पहला मरहला इसकी तिलावत का है, दूसरा मरहला इसके समझने समझाने का है। बहुत सारे को देखा और सुना गया कुरान करीम पढ़ते तो गलत पढ़ते, मजबूर कुरान पढ़ते, और ऐसा कुरान करीम जिसको तलावत करते तो मजबूर पड़ा गया, तलफ़ुज़ की गलती है, लहन जल्दी होती है, बड़ी गलती करता है, हरफ को उसे उसे बदल देता है, ऐसे कुरान पाक को सुनना भी आराम है, पढ़ना भी आराम है। तो ये बहुत बड़ा अहम काम है कुरान करीम को पढ़ना और पढ़ाना, सीखना और सिखाना, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के मकासद में से है। अल्लाह पाक फरमाया हुआ है लदी बात अभिनुम बिजीना रसूल अभिनुम यत्नु अलैहिम आयाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में भेजा तो उनका पहला काम ये कि लोगों को कुरान पढ़ के सुनाते हैं। जिससे आपने कुरान करीम सीखना है पहले उसको हमें पढ़ के सुनाओ, जिसको पढ़ना नहीं आता उसको माना भी नहीं आता। इसलिए पहला मरहला पढ़ने का है, वो इसलिए पढ़ने की बात नहीं करता, सिर्फ समझने की बात करता है। समझना भी जरूरी है और सिखाना भी जरूरी है, माने भी आने चाहिए, अल्फाज भी आने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अल्फाज को सिखाने के लिए माहिरीन पैदा किए, जिनको कुर्राए किराम कहते हैं, कारी हज़रात कहते हैं, हाँ जी, वो माहिर है, उस माहिर से सीखना चाहिए। और माना किसे सीखना चाहिए? जो मुफस्सरीन है, माना मुफस्सरीन से सीखो, तिलावत कुर्रा किराम से सीखो, हर फन के माहिर से तालीम हासिल करेंगे, हाँ जी, इस फन का वो माहिर है, फिर उसका कमा हकूफ फायदा होगा, फिर गुमराही नहीं फैलेगी। हमारे यहाँ जो गुमराही फैल रही है ना, उसकी बड़ी वजह यह है कि वो आदमी जो इस फन का माहिर ही नहीं है, उसके पास उस फन की डिग्री नहीं है, उसकी मेहनत और कुछ उस फन पर नहीं है, हाँ जी, बस वो रट पे आने लग गया, कुछ बोलने लग गया, तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा बोलना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन समझना समझाना एक अलग चीज़ है, और इस फील्ड के अंदर अपना वक्त खर्च करना एक अलग चीज़ है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मदारस कायम है, हमारे मदारस, हाँ जी, उलमाए देवबंद ने जगह जगह मदारस कायम किए हैं, हर साल विफाकुल मदारस अरबिया के तहत कुरान करीम हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की तादाद जो इम्तहान देते हैं हज़ारों की तादाद है, हाँ जी, कहा जाता है जी कभी 71,000 कभी 75,000 एक साल के अंदर बच्चों में देवबंद के मदारस के अंदर कुरान करीम हिफ्ज़ करके उनके इम्तहान देते हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत है। जब मदारस कायम है, पढ़ाने वाले बैठे हैं, अब क्या ज़रूरत रहेगी मोहल्ले की उस औरत से पढ़ने की जिसका तलफ़ ठीक नहीं है? स्कूल के मामले में अच्छी अकेडमी का इंतखाब है और अच्छे से अच्छे प्रोफेसर का इंतखाब है, लेकिन कुरान करीम पढ़ने के बारे में कदम जिस चाहिए करो, हाँ चलता फिरता अपने कुरान सिखाने के लिए बैठे, ऐसा ना करें। दिन के लिए तो वैसे जब वक्त नहीं है, अगर वक्त है तो फिर ये मामला है। तो कुरान करीम को पढ़ना भी अजर और सवाब है, इसको सीखना और सिखाना भी अजर और सवाब है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के मकासद में अल्लाह पाक ने कुरान करीम को पढ़ना भी जिक्र फरमाया और कुरान करीम को सिखाना, इसके मानी को समझाना भी, हाँ जी।
अब देखो कितनी बड़ी खिदमत है मुफस्सिरीन ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम पर बेहतरीन किताबें लिखी हैं, हाँ जी, उन तफसीरों को पढ़ा जाए। वकालत की बात वो करता है जो वकील है, मेडिकल की बात वो कर सकता है जो डॉक्टर है, अब कुरान करीम की बात वो करेगा जो डॉक्टर है, नहीं, यहाँ का नजरिया ना बदले, यहाँ वो बात कर सकता है जो कुरान करीम का मुफस्सर है, जिसने बाज़ाब्ता कुरान करीम एक इदारे में रह के और पढ़ा है फिर आगे पढ़ाने के लिए बैठा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन का सही फहम अता फरमाए। हुज़ूर नबी पाक सल्लम के बेसत के मकासद में तर्ज किया है, इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। तो आज वक़्त ज़्यादा हो गया, तो पढ़ने और पढ़ाने की बात की हमने। कुरान करीम को पढ़ना एक मुस्तकिल काम है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान करीम को अरब के लहजे में पढ़ो। तो वो लहजा भी क्या था, सहाबा ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। सहाबा किराम में बड़े बड़े कुरान करीम के कारी हुए हैं। एक कारी थे हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मशहूर कारी थे। अब तो जो करना आखिरी बात अर्ज करूँ, बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बेहतरीन अंदाज से कुरान पढ़ते थे। एक मरतबा हज़रत जिब्रील आए और हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत उबई बिन काब से तिलावत सुने। अब देखो जो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि इस तरह फरिश्ता आया है और आपसे तिलावत सुनने को कहा है, तो फरमा मेरा नाम लिया। तो आप फरमा बिल्कुल नाम लिया तो रोने लग गया। तो ये बेहतरीन आवाज़ कुरान करीम के पढ़ने की, कुरान करीम को गाने के तर्ज पर नहीं पढ़ा जाता, कुरान करीम के पढ़ने का अपना अंदाज, कुरान पाक शायरी के अंदाज में नहीं पढ़ा जाता, कुरान करीम गज़ल के अंदाज में नहीं पढ़ा जाता। ना कुरान करीम ऐन नसर है और ना ऐन नज़म है, इसका अपना एक तर्ज है। यह ऐसा तर्ज था जिसने अरबों को हैरान कर दिया। अरबों को, जो अरबी बोलने वाले माहिर थे, अरबी जुबान बोलने वाले, अरबी को समझने वाले, अरबी कलाम पर कुदरत रखने वाले फसीह बलीग लोग थे, जब कुरान करीम का नज़ुल शुरू हुआ तो उनकी अकलें हैरान होंगी कि आज तक तो अंदाज दूर ही चले थे दुनिया में तकल्लुम की बात करने के, और अरब अपने अलावा बाकी लोगों को अजम कहते थे, अजम कहते अजम कहते घूमगे अरबी को अजमी को, दूसरों को अजमी कहते थे, वो अपने आप को कहते बोलना तो हमें आता है, हम जो है बात करने के शाह सवार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम को नाजिल किया तो उन लोगों के जो अपने आप को बहुत वसी और बरी कहते थे और तकल्लुम में बड़ा माहिर कहते थे, अल्लाह ताला ने उनकी अकलों को हैरान कर दिया। जब कुरान करीम का नज़ुल शुरू हुआ बड़े बड़े फसीह बलीग लोग अरब के जो है वो हैरान हो गए कि इस तरह का तर्ज आज तक ना कभी किसी ने अपनाया, ना किसी ने देखा, ना सुना, क्या ज़बरदस्त तर्ज है। हाँ जी, अब देखो वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आख़िरतु ख़ैरुन लका मिनल अूला। ये तर्ज है ना, ये नज़म है ना ये नसर है। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها। देखिए तर्ज है लेकिन शायरी नहीं है, शेर व शायरी नहीं है, ना ये ऐन नसर है जिसमें आम किताब लिखी हुई मिलती है, लेकिन ज़बरदस्त ऐसा तर्ज है कि आदमी सुनता है तो हैरान होता है और मजबूर होता है इस बात के मानने पर कि वाकई ये कलाम इलाही है। तो चूँकि कुरान करीम कलाम इलाही है इसलिए इसको पढ़ना भी सवाब है, इसको देखना भी सवाब है, इसका भोसा लेना भी सवाब है, इसको समझना भी सवाब है, इसका समझाना भी सवाब है, और ये हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के आम मकासद में से मकासद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जो कुछ कहा सुना गया अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम के साथ सच्ची अल्लाह हम सबको जो है वस्ती नसीब वस्तगी नसीब फरमाए और हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।